है पोस्चर, गुड पोस्चर क्या होते हैं, बैड पोस्चर क्या होते हैं, पोस्चर क्या होते हैं, कंसर्न द वे अ पर्सन कैरीज हिमसेल्फ व्हाइल स्टैंडिंग वॉकिंग एंड सिटिंग, कि किस तरह से पर्सन खड़ा होता है, बैठता है, चीजों को देखता है। मैं ये बुक पढ़ रही हूं, मैं किस तरह से पढ़ रही हूं, मैं अगर मोबाइल देख रही हूं तो किस तरह से देख रही हूं, मैं अगर वॉक कर रही हूं तो वो किस तरह से कर रही हूं, वो कहलाए जाते हैं हमारे पोस्चर। पोस्चर किस टाइप के होते हैं, आपके गुड पोस्चर होते हैं, बैड पोस्चर होते हैं। पोस्चर के कारण आपको डिजीज भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर कहते हैं आपको ठीक पोस्चर में बैठना चाहिए। अब पोस्चर का इन्होंने क्या एक नॉलेज दे रखी है कि अगर पोस्चर आपका सही पोस्चर है, कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब आपका गुड पोस्चर है, वो आपका सही पोस्चर है। आपको आसन के टाइम, योगा के टाइम भी कहा जाता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए। वैल्यूज क्या होती है गुड पोस्चर की, आपका अपीयरेंस जो है वो अलर्ट लगता है, आपका लगता है कि आपके करेक्टर में स्ट्रेंथ लगती है, मतलब कि आप जो है वो एक अट्रैक्टिव पर्सन लगते हैं अगर आप बिल्कुल अच्छे पोस्चर में बैठे हैं। अगर आप सिर झुका के बैठे हैं, राउंड शोल्डर से बैठे हैं, तो क्या है वो आपका क्या करता है कि वो एक अलग सी इमेज देता है, मतलब आप उसमें देखने में ही अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे एक ओबीज पर्सन हो जाता है, मोटा पर्सन हो जाता है, वो थोड़ा सा अपना पेट आगे की तरफ निकालता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे से होलो लगती है, तो वो एक पोस्चर जो है गलत पोस्चर है जो कि हमारी बॉडी में इंबैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। मूवमेंट एफिशिएंसी, आप जो है इफेक्टिवली चल सकते हैं, अगर आप अपने पोस्चर अपने बिल्कुल गुड पोस्चर रखते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, तो आप ग्रेसफुली चल सकते हैं, इफेक्टिव वे में चल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बैड पोस्चर में चलते हैं तो कभी आपकी कमर में दर्द होगा, कभी आपके पैरों में दर्द होगा। फिजिकल फिटनेस भी डिपेंड करती है आपके पोस्चर पे, कि आपकी मसल स्ट्रेंथ है कि कैसी है, आप कैसे जो है अच्छी तरह से चल रहे हैं, कैसे अपनी बॉडी को जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है कि आपको जो जब सिखाया जाता है कि आप जो मेडिटेशन भी देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या कहा जाता है कि आप क्रॉस लेग करके बैठिए अपने, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए, आपकी जो बैक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वो हिलनी नहीं चाहिए, तो फिर उसमें भी आपकी पोस्चर की जरूरत पड़ती है फिजिकल अपलिफ्ट करने में अपनी बॉडी को। हाइजीनिक वैल्यू जो है, अगर आप बिल्कुल सीधे बैठते हैं, कोई भी चीज आप बिल्कुल ठीक करते हैं, तो आप परफेक्ट एंड कंप्लीट हाइजीन क्वालिटी कह सकते हैं अपनी, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। देन आते हैं बैड पोस्चर, अभी हमने गुड पोस्चर के बारे में पढ़ा। बैड पोस्चर किससे होते हैं, कि कंजाइटल हो सकते हैं, कि बाय बर्थ आपको कोई भी ऐसी डिजीज है, जैसे क्लब फिट है, फ्लैट फुट है, कोई भी ऐसी डिजीज है जिसके कारण आप अच्छी तरह से चल नहीं सकते हैं, आपके डिफेक्ट है चलने में या बोलने में या हाथ हिलाने में हर चीज में। देन है एक्वायर्ड, कि कोई डिजीज आपको हो गई थी, किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, कोई सेंसेस की वीकनेस है आप में, या फटीगनेस के कारण हो सकती है ये। देन है ड्यू टू प्रोफेशन, की आपको कोई प्रोफेशन ऐसा की सिटिंग जो भी आपको मिली हुई है, तो उसके कारण भी हो सकता है कि ज्यादा एक्सरसाइज आप नहीं करते, तो डिफॉर्मिटी आ जाती है आपके शोल्डर्स में, आपके बैक में, तो उस कारण हो सकता है। इम्प्रॉपर डाइट, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। इम्प्रॉपर क्लोथिंग और फैशन, की आप बहुत ही टाइट क्लोथ पहन रहे हैं या बहुत ही ऐसे क्लोथ पहन रहे हैं जिसके कारण आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके कारण भी आपके पोस्चर में चेंज हो सकता है। ओवरलोड वर्क, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा फिजिकली थक जाते हैं आप, उसके कारण भी हो सकता है। ओबीज, आप मोटे ज्यादा हैं, तो उसके कारण भी जो है आपके पोस्चर चेंज हो सकते हैं। देन है उसके बाद कि लैक ऑफ नॉलेज, आपको अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से खड़े होना, किस तरह से बैठना है, किस तरह से होल्ड करनी है कोई चीज, तो उसके कारण भी हो सकता है। अभी आप टीवी देख रहे हैं, आप लेट के देख रहे हैं, अच्छी तरह से लेटे भी नहीं हुए, अच्छी तरह से बैठे भी नहीं हुए, तो उस तरह से आप टीवी देख रहे हैं, तो वो चीज भी आपकी इंप्रॉपर हो सकती है, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। फर्नीचर आपका ठीक नहीं है, मान लीजिए अनसुटेबल पोजीशन है आपकी चेयर की और टेबल की, उसका साइज अलग अलग है, तो फिर उसके कारण भी आपके पोस्चर में दिक्कत हो सकती है। आप हैवी बैग लेके जाते हैं, या आपको कोई गलत पनिशमेंट दे दिया टीचर ने, तो उसके कारण भी हो सकते हैं, और हेरिडिटरी भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को थोड़ा, तो अगले जनरेशन में वो आपको भी चला गया। रिमेडियल एक्शन इसके यही है कि प्रॉपर जो है आपको शूज पहनने चाहिए, प्रॉपर क्लोथिंग करनी चाहिए, अच्छी तरह से जो फिट आपको जो है सूट करें उस टाइप की क्लोथिंग आपको लेने चाहिए। बैग्स जो है वो ज्यादा हैवी बैग आपको नहीं लेने चाहिए, ज्यादा थके नहीं आप किसी भी चीज में, अगर किसी चीज में आपको थकावट हो रही है तो आप थोड़ा रेस्ट ले बीच में, तो इस तरह से आपको लेने चाहिए कि रिमेडियल एक्शन की भी प्रॉपर एक्सरसाइज करें, करेक्टिव मेजर्स उसके लिए। देन कॉमन पोस्चरल प्रॉब्लम क्या है, पोस्चरल डिफेक्ट्स कौन से हैं, सबसे पहले आ गया है काइप्सिस, जो कि राउंड बैक होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बैक जो है वो आपकी बैंड हो जाती है, ऐसे आगे की तरफ झुक के चलते हैं आप, पीछे का पोस्चर सारा, नीचे का पोस्चर सारा ठीक है, आगे की तरफ झुक के चलते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका काइप्सिस। तो इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, जब टाइट क्लोथ बहुत ज्यादा कोई पहनता है जिसमें कि वो चेस्ट को एक्सपेंड करके नहीं चल सकता, तो उस कारण उसे ये हैबिट हो जाती है। कोई ऐसी डिजीज उसे हो जाए जिसके कारण जो है वो वीक फील करता है और ऐसे चल पाता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है उसकी वजह से हो सकती है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसके कारण ये हो सकती है। इसमें क्या होता है, फ्रंट टू बैक रिजल्टिंग इन हम्प बना देता है पीछे की तरफ, और आगे की तरफ बैंड करके पर्सन चलता है। इसके लिए आपकी क्या ट्रीटमेंट और क्या मैनेजमेंट है, आप कुछ एक्सरसाइजेस इसके लिए कर सकते हैं, इस टाइप की एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, टॉवल डाल के जो है अपने गले से आगे जो है इसे खींच सकते हैं, 5 टाइम्स इसे कर सकते हैं। ये बुक की एक्सरसाइज आप घर पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुक में जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है आपके लिए भी इफेक्टिव हो, तो वो आप बिल्कुल भी ना करें। ये एक्सरसाइजेस इसमें बताई हुई है आपकी बुक में, अलग अलग जो स्ट्रेचिंग बताई हुई है, आर्म्स की बताई हुई है, ये नौका आसन है, बोट पोज बोलते हैं जिसे, ये वो आसन है, धनुरासन बोलते हैं जिसे, इससे आपकी गर्दन जो है वो थोड़ी पीछे होगी और हम्प आपका कम होगा। नेक्स्ट आपका आ गया है होलो बैक, इसमें जो है स्ट्रेट ऊपर से ठीक है पर्सन का जो है बैक, जैसे कि ज्यादातर ओबीज पर्सन क्या करते हैं इस चीज को आगे, अब सिंपल नॉर्मल तो अपना ये होता है, और फिर बंदा ऐसे चलता है जहां पे ये होलो बैक आ जाती है, कि यहां पर गैप बन जाता है, उसे कहा जाता है लॉर्डोसिस, जो कि होलो बैक होती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, कि यही स्पाइन और हिप की कोई डिजीज हो सकती है, पोअर मसल कोऑर्डिनेशन हो सकता है आपका, या पोस्चर आपके गलत थे बैठने के, तो उसके कारण ये चीजें हो सकती है, डिफॉर्मिटी आपकी आ सकती है। देन इसमें सिटअप्स अच्छी एक्सरसाइज होती है, आप ये होल्ड कर सकते हैं ऊपर, ये अच्छी एक्सरसाइज होती है, और इस तरह की पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, तो ये आप एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, इस सारे टाइप के आसन में जो है आपकी बैक का पोस्चर ठीक हो जाएगा। अब है काइपोलोर्डोसिस, जो कि आपके दोनों तरह से, ये भी बेंट है और आगे सिर भी झुका हुआ है, पीछे हम्प भी बन रहा है और ये चीज भी बैक है, ये दोनों आपके एक साथ आ गई हैं। तो इसमें जो है आप में आप अलग अलग आसन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ये दोनों डिजीज ठीक होती है, जो पीछे आपको बता रखे हैं वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो कि दोनों के लिए आपकी काम कर सकती है। देन उसके बाद आगे है रिजिड स्पाइन, जिसकी की स्पाइन रिजिड है, कि मतलब हिलते ही जो है उसे पेन होता है, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी स्पाइन में, उसे कहा जाता है रिजिड स्पाइन। तो इसमें ट्रीटमेंट कौन से, आप हलासन कर सकते हैं जिससे कि आपकी मूवमेंट हो सकती है, आप ब्रिज पोज कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं। मैं बार बार बता रही हूं, ये पोस्चर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना नहीं करने हैं बिल्कुल भी, नहीं तो
इसमें दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। देन है स्कोलोसिस और आपकी लेटरल कर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या हो जाती है आपकी बैंड हो जाती है, या तो इस तरफ से बैंड हो जाएगी या इस तरफ से बैंड हो जाएगी। और ये जो है ये आपकी एक टाइप से क्या होती है कि एक साइड का पैरालिसिस टाइप काम हो जाता है आपका, कि लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो बैंड हो जाती है प्रॉपर, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। तो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होती है लेग्स की, इस कारण हो सकती है कि बचपन से ये बच्चा जो है इम्प्रॉपर मतलब ऐसे लचक के चलता है, इस कारण से हो सकती है। पैरालिसिस हो गई थी कभी, बोन का कोई डिजीज हो गई थी, तो इस कारण से ये बीमारी आपको हो सकती है। तो इसमें क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब बंदा जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा, बैंड करेगा, तो उससे पोस्चर आपका ठीक किया जा सकता है। ऑपोजिट साइड में जो है थोड़ा सा हैंड को बैंड करेगा, आपको जो है लेग्स को वो बैंड करने की कोशिश करेगा, आप खुद टर्न करने की कोशिश करेंगे, पिल्लोज अगर आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज जो है इसमें थोड़ा फायदा दे सकती है। देन रिकेट्स में आपके क्या हो जाता है, इस तरह से लेग होते हैं, बाहर की तरफ लेग होते हैं, उसे कहा जाता है रिकेट्स। और ये किस कारण से होता है, ये छोटे बच्चों में ज्यादातर हो जाता है, और ये माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है कि विटामिन की कमी से बच्चों में ये बीमारी हो जाती है, ज्यादातर विटामिन डी की कमी से, फास्फोरस की कमी से ये दिक्कत हो जाती है बच्चों को, जो कि सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं और उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। देन है नोकनी, नोकनी क्या होती है, नोकनी होती है कि इनवर्ड कर्व, इस तरह का कर्व हो जाता है, ये होता है नोकनी। तो ये किस कारण से हो सकती है, ये हो सकती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, या बहुत देर कोई खड़ा रहता है उसकी वजह से हो सकती है, फ्लैट फुट की वजह से हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है, हैवी वेट की बॉडी वेट की वजह से हो सकती है, और एक क्रॉनिक इलनेस कोई भी आपको बीमारी हुई थी उसकी वजह से आपके जो है पैरों में वो दिक्कत आ गई है। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है कि फ्लैट फुट जो है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग इसका ट्रीटमेंट है, थेरेपिस्ट की एक्सरसाइज से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या होता है, एक फुट तो होता है जिसमें कर्व होता है जो नॉर्मल फिट होता है, एक जैसे कि हेल्दी फिट दिखा रखा है, फ्लैट फिट क्या होता है जो बिल्कुल फ्लैट होता है जिसमें वो कर्व बीच में नहीं होता है, उसे कहा जाता है फ्लैट फिट। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, वीक फुट मसल्स हो सकते हैं, ओवरवेट के कारण हो सकता है, डिफेक्टिव शूज पहनने से हो सकता है, इंजरी के कारण हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज से हो सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, स्पेशल शूज आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, इसमें रिमेडियल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा जो है वो अवॉइड कर दी जा सकती है इसमें। तो इस कारण से ये चीजें ठीक हो सकती हैं।